एज अ मॉम यू गॉट डू व्हाट यू गॉट डू, तुम्हें जो करना है वो करना ही होता है अपने बच्चों के लिए या फिर अपनी सैनिटी के लिए कह सकते हैं। और आज मैं एक ऐसा धमाकेदार आइडिया लेकर आई हूँ कि आप लोगों को लगे अरे ऐसा भी हो सकता था। सो वे तो कीप वॉचिंग टिल द एंड एंड यू विल फाइंड एन अमेजिंग आइडिया जो कि टॉयज़ नहीं है, क्राफ्ट्स नहीं है और कोई पेंटिंग नहीं है, एकदम ही अनोखा आइडिया है। सो कीप वॉचिंग। I am Harshita and I have started this vlog to find fun ways to enjoy with my toddlers during this quarantine. So welcome to my channel. Hi mommies. I hope आप सब लोग बहुत ही फन कर रहे हैं इस क्वारंटाइन में अपने लिटिल वंस के साथ। और आज हम लोगों के लिए जो आइडिया मैंने आपको बोला है जिसमें कि कोई टॉयज़ नहीं है, पेंटिंग नहीं है और कोई भी कलर्स नहीं है, कोई क्राफ्ट्स नहीं है, वो है टिंकर ट्रे विच इज़ टिंकर प्ले। टिंकर प्ले जो है वो मॉन्टेसरी इंस्पायर्ड आइडिया है और मॉन्टेसरी एट होम मैंने अभी शुरू किया है और रिक के साथ और साम के साथ। और ये बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि मॉन्टेसरी जो है वो न्यू बॉर्न से लेकर के 5-6 ईयर ओल्ड तक के किड्स को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपनी पेरेंटिंग स्टाइल में या लर्निंग स्टाइल में। और ये जो टिंकर प्ले आइडिया कि इसमें आपको कोई भी डायरेक्शंस नहीं देने हैं, कोई रूल्स नहीं हैं और आप लोगों को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है, ना ही कोई उनको डायरेक्शंस देने हैं। इट इज़ जस्ट एन असेंबली ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब कि डिफरेंट टच, शेप, टेक्स्चर्स, आइडियाज़। और इनफैक्ट आप अलग अलग तरह की चीज़ें इस ट्रे में असेंबल करिए जो कि 5-6 एलिमेंट्स से लेकर के 10-8 एलिमेंट्स हो सकते हैं। और इसको आप लोगों को अपने बच्चे को देना है और उनको बोलना है कि बेटा एक्सप्लोर, जो आपको करना है करिए। इसमें आप क्ले, फेदर्स, पॉम पॉम्स, स्टिक्स, शेल्स, ब्लॉक्स, वुड, जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं। इनफैक्ट आप ग्रेन्स भी दे सकते हैं, जैसे कि मोटे वाले ग्रेन्स होते हैं जैसे कि राजमा, रोंगी और सोयाबीन की बड़ी भी दे सकते हैं, जो भी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टेक्सचर्स, शेप्स एंड क्रिएटिविटी दे कैन शो विद दैट। टू ऑल द एजेस दिस ट्रे आइडिया इज़ अमेजिंग। बट आप लोगों को अपने बच्चे की एज और उसकी हैबिट्स के अकॉर्डिंग इन एलिमेंट्स को थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा मुंह में चीज़ें डालता है तो देन यू हैव टू बी रियली थॉटफुल कि कोई चीज़ ना लें आप उस ट्रे में जो कि वो लोग चोक कर जाए। सो आई ट्राइड दिस आइडिया विद माय ओल्डर वन कि देखते हैं उसको ये कैसा लगता है और इसका आउटकम क्या रहता है। सो दिस इज़ माई आइडिया ऑफ क्वारंटाइन स्पेशल टिंकर ट्रे। इसमें मैंने लिए हैं थोड़े से बीट्स, वॉलनट्स, फ्लावर्स, फेदर्स, थोड़े वुडन ब्लॉक्स और पाइप क्लीनर, स्ट्रॉज एंड थोड़ा सा क्ले, थोड़े स्कूप्स। एंड आई एम सो रियली एक्साइटेड एंड वेरी होपफुल टू सी क्या रिग इसे बनाता है और किस तरह से वो इन एलिमेंट्स को यूज़ करता है। एंड आई जस्ट रियली वांट टू नो वो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट पिक करता है। रूल नंबर 1 है कि मम्मा से हेल्प नहीं मांगना है, नहीं। पापा से भी हेल्प नहीं मांगना है, नहीं। जो भी मैस होगा रिगी खुद क्लीन करेगा, ओके। खुद। नंबर 2 रूल क्या है? नहीं, फेंका फाकी नहीं करना है ना, ऑल बाय योरसेल्फ। और नंबर 3 रूल क्या है? बहुत सारा फन करना है। आर यू रेडी फॉर योर टिंकर ट्रे? या हियर यू गो, यू वांट टू प्ले विद ऑल ऑफ दिस। ओके, सो एज आई ऑलरेडी हैड्स अ लिटल हिंट इन माई माइंड कि वो बीड्स ही पिक करेगा बिकॉज ही इज़ ऑब्सेस्ड विद बीड्स दीज डेज। सो यहाँ मुझे एक छोटा सा टिप मिलता है अपने आप से कि ऐसी चीज़ें जो कि ऑलरेडी आपके बच्चे की फेवरेट्स हैं अगर आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि एनी वे वो तो उनसे खेलते ही हैं और उसकी जगह कोई नया एलिमेंट रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ मी स्नीकिंग फ्रॉम फार ये देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है बिकॉज आई हैव टू फॉलो द रूल ऑफ नो डिस्टर्बेंस, नो गाइडेंस एंड नो इंटरफेरेंस। क्या बना रहे हैं? It's totally okay if your kid wants to show you something during the tinker play. आप उनसे totally discuss कर सकते हैं वो क्या कर रहे हैं, इसे interference या disturbance नहीं माना जाता है। और अभी हम क्या कर रहे हैं? Volcano. Volcano yoga. Yes, volcano. Not yoga. We are doing experiment.
एक्सपेरिमेंट। और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लोग बेकिंग सोडा और विनेगर यूज करेंगे। हाँ। क्या करेंगे आप बताओ? विनेगर डालेंगे। डालेंगे फिर क्या होगा? बबल्स आएंगे खूब सारे। ओके लेट्स गो फॉर इट। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोगों ने 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और 1 कप विनेगर एंड 1 कप वाटर को मिक्स किया, और विनेगर वाटर के मिक्सचर को हमने छोटे छोटे ग्लासेस में डिवाइड किया ताकि ये फन थोड़ी ज़्यादा देर तक चलता रहे। ओके सो यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि ये लोग बॉक्सेस में बैठ के क्या कर रहे हैं। हम लोग स्टोरी रीड कर रहे हैं जो कि हम लोग रोज एक थीम पिक करते हैं और हम लोग उसे फॉर्मली बैठ के स्टोरी रीड करते हैं, जो कि इन्हें थोड़ा सा लुक एंड फील देता है जस्ट लाइक उनका पहले का स्कूल रूटीन था स्टोरीज का और सर्कल टाइम का। दैट्स इट। मे बी यू ऑल्सो ट्राई एंड लेट अस नो हाउ डू यू लाइक इट। और अगर आप लोगों को ये आइडिया बहुत अमेजिंग लगा हो और आपको लगता है कि आप और टिंकर प्रे आइडियाज़ मेरे देखना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज को जो कि है momming.ideas.trending उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि उस पर हम रोज़ एवरीडे फन एक्टिविटीज़ पोस्ट करते हैं जो कि बिल्कुल अलग होती हैं इन वीडियोज़ वाली एक्टिविटीज़ से। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियोज़ एंड हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। बाय बाय।